मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारी नर्मदा केवड़िया गोराघाट में नर्मदा मैया की आरती धर्म लाभ लीधो। 19-21 मे सुधी नर्मदा जिला एकता नगर में सीएम की हाजरी में राज्य सरकार की चिंतन शिबिर योजाई रही है, जेना प्रथम दिवस की संध्या काले नर्मदा मैया की आरती में सहभागी थया। मुख्यमंत्रीए शंखनाद डमरू दीवड़ाओं की ज्योत दीप गुगड़ धूप साथ भक्तिपूर्ण माहौल में आरती की, साथ साथ भूदेवोए मंत्रोच्चार नर्मदा कास्टना सुमधुर श्लोक गान वच्चे मुख्यमंत्री नर्मदा मैया की पूजा अर्चना करी हती। वडोदरा में धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार योजाशे। वडोदरा नवलखी ग्राउंड में दिव्य दरबार नुं आयोजन करायुं। श्री नवशक्ति गरबा महोत्सव और वडोदरा शहर भाजपे संयुक्त कार्यक्रम योजशे, जे अंगे गरबा अग्रणीओए माहिती आपी हती। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अमदावाद कार्यक्रम ने लई थोड़ो फेरफार थयो छे। बे दिवस बदले अमदावाद में एक दिवस धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज नो दिव्य दरबार योजाशे। 29 और 30 एम बे दिवस धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अमदावाद में रोकाशे। आ बे दिवस दरमियान भक्तों धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दर्शन करी शकशे। जो कि दिव्य दरबार कार्यक्रम हवे बे दिवस बदले एक दिवस करवानो नक्की करवामां आव्यो छे। 29 मे ना रोज अमदावाद शक्ति मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज नो दिव्य दरबार योजाशे, जयारे 30 मे ना रोज शक्ति मैदान में बाबा नु प्रवचन और आशीर्वाद नो कार्यक्रम गोठवामां आव्यो छे। दाहोद शहर स्टेशन रोड पर मस्जिद नु डेमोलेशन करवामां आव्यु। स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर में दबाण दूर करने कार्यवाही चालू है। नगीना मस्जिद आधार पुरावा रजू न थता दबाण दूर करायु। चुस्त पुलिस बंदोबस्त वच्चे मस्जिद हटावा कामगीरी करवामां आवी हती। गुजरात सरकारे वर्ग 3 भर्ती माटेना नवा नियम जाहिर कर्या। क्लार्क सीनियर क्लार्क जुनियर क्लार्क ऑफिस असिस्टंट की भर्ती माटे नवा नियमों लागू कराया छे। गुजरात सरकारे वर्ग 3 भर्ती माटे नवा नियमों जाहिर कर्या। सरकारी वर्ग 3 भर्ती परीक्षा पद्धति में मोटो फेरफार करवामां आव्यो। वर्ग 3 भर्ती माटे द्विस्तरीय परीक्षा पद्धति लागू कराई। मळती माहिती अनुसार मुख्य परीक्षा आधारे ज मेरिट लिस्ट बनशे, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बने। दर वर्षे विभागोए पोतानी खाली जग्याओ अंगे सेक्रेटरी ने जाण करवानी रहेशे, तो साथी उम्मेदवारोने गुजराती के इंग्लिश में परीक्षा आपवानो विकल्प पण मळशे। भर्ती बोर्डना नियमोने आधीन परीक्षानुं आयोजन करवामां आवशे, जे प्रमाणे मेरिटना आधारे उम्मेदवारोनी पसंदगी करवामां आवशे। गौण सेवा पसंदगी मंडल में स्टेनोग्राफर की भर्ती मामले गुजरात हाईकोर्ट में अरजी थी थी, जे अंगे सुनावणी दरमियान हाईकोर्टे अरजदार की अरजी ने फगावी। उमर और लायकात में छूटछाट आपवानी अरजदार की रजूआत ने हाईकोर्टे फगावी। कोरोना काल में स्टेनोग्राफर की परीक्षा न योजाता उमर में मापदंड में छूट आप अरजदारे रजूआत की। गुजरात हाईकोर्टे आ मामले अवलोकन करता जणाव्यु कि सरकारे अगाउ एक वर्ष की छूट आपी थी, जे पूरती है। एक वर्ष थी वधुनी छूट आपी शकाय तेम नथी। उल्लेखनीय है कि अरजदारे वयमर्यादा में 45 वर्ष की छूट मांगती अरजी में कोर्ट में अरजी करी हती, हाईकोर्टे तेने फगावी हती। बागेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में विविध शहरों में आयोजित थनारा दिव्य दरबार ने लई वधु एक विवाद सामे आव्यो। गुजरात हाईकोर्ट वकील के आर कोस्टीए डीजीपी और पुलिस कमिश्नर्स ने पत्र लख्यो, तेमज आयोजकों पासेथी धीरेन्द्र शास्त्री कोई गैरबंधारणीय और विवादास्पद निवेदन न आपे तेवी बाइंधरी लेवानी मांग करी। वकील के आर कोस्टी अमदावाद सूरत और राजकोट में योजनार दिव्य दरबारों ने लई डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ने पत्र लख्यो। तेमणे कह्युं के दिव्य दरबार दरमियान कोई विवादत अने वैमनस्य फैलाय तेवी संपूर्ण शक्यताओ छे। कोईपण जातनी नफरत न फैलाय अथवा कोईपण धर्मना नागरिकों ने असलामती के डरनी प्रतीति न थाय ते माटे नोटिफिकेशन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानो पण पत्र में उल्लेख छे। छोटाउदेपुर केशरपुरा गामे प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिले राम मंदिर तारीख मुद्दे कांग्रेस ने आड़े हाथ लीधी। सीआर पाटिले कहूं कि 2024 राम मंदिर बनी तैयार थी जैसे और कांग्रेस वालाओं ने कही दैजो कि दर्शन करने आ जाए। सीआर पाटिले कांग्रेस शासन में पाकिस्तान और चीन संबंधों साथ के केन्द्र में मोदी सरकार आया बाद भारत केव जवाब आपे तम कही कांग्रेस ने आड़े हाथ लीधी। अमरेली में भाजपा नेताओं सी साथ सेल्फी वीडियो वायरल थाद हजू सुधी कोई कार्यवाही न कराता विपक्ष आ मामले सवाल उठाया। अमरेली बगसरा तालुका भाजप प्रमुख प्रदीप भाखड़ो सी साथ सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थोड़ा। वीडियो वायरल था 4 दिवस बाद पुलिस कोई कार्यवाही न करता विपक्षे वांदो उठाव्यो। कांग्रेस पूर्व धारासभ्य बिरजी ठुमरे चीमकी उच्चारी के जो भाजपा नेता सामे कोई कड़क पगला नहीं लेवाय तो आगामी दिवसों में आंदोलन पर उतरशे। गत मोड़ी रात्र कच्छना पालरा जेल पास ओवरलोड ट्रक ने कारण अकस्मात सर्जाय। कोलसा भरेली ट्रके बाइक ने अड़फेटे लेता बे बाइक सवार घटनास्थले मौत निपजा। ओवरटेक करवा जता ट्रक कंट्रोल न थता सामेथी आवती बाइक ने अड़फेटे लीधी। जूरा गाम पासेना बे युवकोना करुण मौत निपजा हता। सूरतना सचिन विस्तार में एक युवक पर जीवलेण हुमलो थयो हतो। सचिन सुडा सेक्टर 3 में
मोड़ी रात्रे सोफाना कामकाज साथे संकड़ाला युवक की हत्या करी आरोपी फरार थया। मोड़ी रात्रे बे अजाण्या व्यक्तिओए हत्याने अंजाम आप्यो। 23 वर्षीय अकरम वसीम की हत्याने पगले पुलिस पण दौड़ती थई, जो कि हत्यानो कारण हजु सुधी सामे आव्यु नथी। पुलिसे मृतदेहने पीएमआरथी खसेडी फरार आरोपीनी शोधखोळ हाथ धरी छे। जूनागढ़ मेदरडा रोड पर ट्रक और कार वच्चे अकस्मात सर्जायो, जेमां घटनास्थले बे लोकोना मौत थया, ज्यारे अन्य केटलाक लोको इजाग्रस्त थता सारवार माटे होस्पिटल खसेडवामां आव्या हता। अमदावादना कणभामां 13 वर्षनी बाळकीने अपहरण केसनी शरू थयेली तपास मानव तस्करीना नेटवर्क सुधी पहोंची। अमदावाद ग्राम्य पुलिसे असरवानी 14 वर्षनी दीकरीने छोड़ावीने परिवारने सौंपी। आरोपीए 50,000 થી 3 લાખમાં સગીરાને લગ્ન કરાવી વેચી દેતા હતા। આ ઉપરાંત યુવતીઓને ગેંગમાં સામેલ કરી લૂંટેરી દુલ્હનનું નેટવર્ક ચલાવતા હતા। ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રમાં ચાલતા માનવ તસ્કરીના નેટવર્કને લઈ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી, હજુ 8 કિશોરીઓને વેચી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। સુરતના જોવાળા ગામમાં દુકાનદાર પર છરી વડે હુમલો થયો। આ મામલે મહિલા સહિત 6 આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી। સાઈબાબા મિલની સામે બંસી પાર્કમાં થોડા દિવસ પહેલા બવાલ થઈ હતી। ફ્લેટ નંબર 207માં રહેતા સુરેન્દ્રસિંહ અને બિટુસિંહ વચ્ચે નવો ધંધો શરૂ કરવા બાબતે મગજમારી થઈ હતી, જેમાં બિટુસિંહે સેટલમેન્ટ માટે પૂનમ પાંડેને બોલાવી સાગરી સાથે સુરેન્દ્રસિંહ પર હુમલો કર્યો। વેપારી પર છરી વડે હુમલો કરનારી મહિલા આરોપી સહિત કુલ 6 લોકોને ઝડપી પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો। થોડા દિવસ પહેલા ખટોદરામાં રિક્ષામાં બેસેલા મુસાફરની નજર ચૂકવી 40,000ની ચોરી કરી આરોપીઓ ફરાર થયા હતા। પોલીસે મામલે સીસીટીવી અને હ્યુમન સોર્સીસના આધારે 2 આરોપીઓને ઝડપી લીધા। આરોપી અન્ય ગુનાને અંજામ આપવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસે વોચ ગોઠવી ઝડપી લીધા। આરોપી પાસેથી 40,000 રૂપિયા રોકડા, મોબાઈલ સહિત કુલ 1,60,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે। ભાયાવદરથી એક વિડીયો સામે આવ્યો। આ વિડીયોમાં 5 થી 7 જેટલા શખ્સો યુવા ભાજપના પ્રમુખને માર મારતા દેખાય છે। યુવા ભાજપ પ્રમુખ હર્ષદ રામાણીએ એસી ખરીદવા માટે લોન લીધી હતી। લોનનો હપ્તો ન ભરતા ફાઇનાન્સ કંપનીના માણસોએ યુવા ભાજપ પ્રમુખ સાથે દાદાગીરી કરી તેમને માર માર્યો। હુમલામાં ઈજા પહોંચતા તેમને સારવાર માટે ખસેડાયા, તો પોલીસે આ મામલે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે। કણભા ટ્રાફિક હ્યુમન કેસને લઈ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। કણભામાં સગીરાને ખરીદનાર એજન્ટ અશોક સહિત 4 આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી। એજન્ટ અશોકે સગીરાનું અપહરણ કરી પાલનપુરના એજન્ટને વેચી હતી। ઝડપાયેલા આરોપીમાંથી ચહેર અને અમૃતે અત્યાર સુધી 8 છોકરીઓ વેચી હોવાનું બહાર આવ્યું। ગુજરાતથી સગીરાનું અપહરણ કરી આરોપીઓ તેને રાજસ્થાનમાં વેચી નાખતા હતા। આરોપીઓ અગાઉ એક છોકરીને વેચી હતી, જેને પોલીસે મુક્ત કરાવી પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું, તો 6 મહિના પહેલા આરોપીઓએ અસારવા ખાતે રહેતી સગીરાનું અપહરણ કર્યું, ત્યારબાદ આ છોકરીને સુરેન્દ્રનગર વેચી નાખી હતી। સુરતમાં વધુ એક મહિલાનું હાર્ટ એટેકથી શંકાસ્પદ મોત નિપજ્યું। સુરતના અડીડોલીના નવા ગામ ખાતે 3 મહિનાનો ગર્ભ ધરાવતી 36 વર્ષની મહિલા સવારે વોશરૂમ ગયા બાદ ગભરામણ થઈ તેને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી, જો કે ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી, જેથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો। મોતનું સચોટ કારણ જાણવા માટે મહિલાનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડાયો છે। સુરતમાં બોગસ ડોક્યુમેન્ટ અને પીડીના આધારે જીએસટી નંબર મેળવી કરોડોની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવતા આરોપી આદિલ બાજુ બેરી પૂછપરછમાં નવો ખુલાસો કર્યો। જીએસટી કૌભાંડી આદિલ અન્ય વ્યક્તિના ડોક્યુમેન્ટ 10,000 રૂપિયામાં મેળવીને નકલી પેઢીનું રજીસ્ટ્રેશન કરતો હતો, તેમાં અન્ય દસ્તાવેજ પર પેઢી બનાવી 75,000માં વેચી નાખતો, તેને વિદેશમાં નોકરી આપવાનું કહી સામાન્ય લોકો પણ ફસાવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો। આરોપી વિરુદ્ધ ડભોડીના સિલ્વર સ્ટોનમાં રહેતા બાબુભાઈ પટેલ પણ ફરિયાદ નોંધાવી હતી। તેને બિલ્ડરને મોટા વરાછાના 2 મોલના માલિક તરીકે દર્શાવ્યા હતા અને તે આધારે 20 વ્યક્તિઓ ભાડા કરાર બનાવી આપી 21 બોગસ પેઢીઓ બનાવવામાં આવી હતી। સુરતના મોરા ભાગળ વિસ્તારમાં હડકવાના કારણે 18 વર્ષીય યુવતીનું મોત થયું। યુવતીને 6 માસ પહેલા જ જમણા પગે શ્વાને બટકું ભર્યું હતું, તે સમયે તેના પગમાંથી લોહી પણ નીકળ્યું। તેણીએ તબીબી સારવાર સાથે ઇન્જેક્શન પણ લીધા, પરંતુ શ્વાને બટકું ભર્યા બાદ 6 મહિના બાદ યુવતીના હડકવાના લક્ષણો જોવા મળ્યા। યુવતીના મોઢામાંથી અચાનક સીન નીકળવા લાગ્યું, શ્વાસ ચડવા લાગ્યો અને અજવાળું જોઈને ગભરાઈ જવા જેવા હડકવાના લક્ષણો દેખાયા હતા। સુરતના હજીરા વિસ્તારમાં નંદ નિકેતન ટાઉનશીપમાં 2 સગી બહેનોના ડૂબી જવાથી મોત નિપજ્યા હતા। બંને બાળાઓ તળાવમાં કઈ રીતે પહોંચી તે કારણ જાણી શકાયું નથી। બંને બાળાઓને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાઈ જેના પીએમ કરવામાં આવ્યું હતું। બંને બાળાઓના મોત થતા જ પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો હતો। ભાવનગરની મેડિકલ કોલેજમાં વિદ્યાર્થી સાથે રેગિંગ જેવો બનાવ બન્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો।
भावनगर मेडिकल कॉलेज अंडर ग्रेज्युएट विद्यार्थी साथ पोस्ट ग्रेज्युएट विद्यार्थी सृष्टि विरुद्ध कृत्य करने आक्षेप थो। आ मामले मेडिकल कॉलेज विद्यार्थी पुलिस फरियाद दाखिल करने निलंबाग पुलिस स्टेशन पहुंचा, जो कि फरियाद नोधा विद्यार्थी साथ पुलिस खराब वर्तन कर आक्षेप लगो। भावनगर नारी चौकड़ी पास इको कार में आग लगता एक व्यक्ति बड़ी जवाती मौत थयु। नारी चौकड़ी पास मोमोई माताजी मंदिर पास कार में आग लगी, जे कार में रहेल व्यक्ति बड़ी ने भड़थू थी गयो। नामनी बीजी सीरीज है, जेनु प्रथम पुस्तक पण प्रकाशित थी गयु। 14 वर्षीय जानुषी हवे धोरण 10 में आवशे, तो जानुषी एशिया बुक तरफ थी ग्रांड मास्टर नु टाइटल पण मेळव्यु छे। 6 दिवसना विदेश प्रवासे रहेला वडाप्रधान मोदीए जापानना हिरोशिमामां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण कर्यु, तेमज महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने और अनावरण करने की तक आपवा बदल जापान सरकार नो आभार मान्यो। पीएम मोदीए कहु कि आज पण हिरोशिमा शब्द सांभळी दुनिया डरी जाए। आज विश्व क्लाइमेट चेन्ज और आतंकवाद की पीड़ित है। क्लाइमेट चेन्ज सामी लड़ाई जीतवा श्रेष्ठ मार्ग पूज्य बापू नो आदर्श है। जीवनशैली प्रकृति प्रति आदर समन्वय और समर्पण नो उत्तम उदाहरण है। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा अहिंसा विचार ने आगे बढ़ाशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की जापान मुलाकात आज बीजो दिवस, त्यारे साउथ कोरिया राष्ट्रपति युन सुक येउल साथ मुलाकात की। आ मुलाकात अंगे पीएमओए माहिती आपी हती। भारत और साउथ कोरिया बने देशों सारा मित्र ने सांस्कृतिक संबंधों व्यक्त करता रहा है। आज की बैठक में मुख्यत्व विकास क्षेत्रों में दोस्ती ने वधु मजबूत करने प्रयत्नों पर ध्यान केन्द्रित करायु। जापानी मुलाकाते रहेला पीएम मोदी G7 देशों समूह की बैठक में सामिल थवाना छे। तेमा भारत सभ्य देश नहीं, जो कि G7 देशों समूह की बैठक की अध्यक्षता जापान करी रहूं छे। अने जापाने पीएम मोदी ने बैठक में सामिल करवा माटे आमंत्रण आप्यू छे। वडाप्रधान मोदीए कहु कि हूं तमने G7 ने शानदार आयोजन बदल अभिनंदन आपू छू। G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने आमंत्रण आपवा बदल पण तमारो खूब आभारी छू। तमने जे बोधिवृक्ष आप्यू हतुं तमे तेने हिरोशिमा में वाव्यू हतुं अने जेम जेम ते वर्षे तेम तेम भारत जापान संबंधों वधु मजबूत थशे। आ ते वृक्ष छे जे बुद्धना विचारों ने अमरत्व आपे छे। दिल्ली में अधिकारीओनी ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले सुप्रीम कोर्टना चुकादा बाद हवे केन्द्र सरकारे वटहुकम बहार पाड्यो। जेना द्वारा केन्द्रे ट्रांसफर और पोस्टिंग अधिकारी उपराज्यपाल ने आपी दीधा। आ वटहुकमथी केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस ऑथोरिटी की रचना करशे, जे दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग तेमज विजिलेंस काम करशे। वटहुकम मुजब 3 लोकोनी ऑथोरिटी की रचना करवामां आवशे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अग्र सचिव, गृह आ ऑथोरिटी सभ्य हशे। तेनी सलाह पर केन्द्र सरकार निर्णय लेशे और बहुमती आधार लेवायेल निर्णय मायने रहेशे, जो कि अंते तो उपराज्यपाल ज निर्णय करशे। मोदी सरकारे वधु एक मोटो निर्णय कर्यो। रूपया 2000 नी चलनी नोट आरबीआईए परत लेवानो निर्णय कर्यो, ज्यारे कि आरबीआईमांथी नवी नोटोनुं सर्क्युलेशन बंद करवामां आवशे। रिजर्व बैंकना जणाव्या अनुसार 2000 रूपियानी नोट लीगल टेन्डर रहेशे, परंतु तेने सर्क्युलेशनथी बहार करवामां आवी छे। भारतीय रिजर्व बैंके देशनी बैंकने सलाह आपी के 2000 रूपियाना मूल्यनी नोटने तात्कालिक असरथी बहार पाडवानुं बंद कर्युं छे। क्लीन नोट पॉलिसी अंतर्गत रिजर्व बैंके आ निर्णय कर्यो। 2016 थयेली नोटबंदी पछी रिजर्व बैंके 2000 रूपियानी नोट बहार पाडी हती। कर्नाटक बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह योजावानो छे, त्यारे कर्नाटक पदनामित नायब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांतिरवा स्टेडियम पहुंचा, ज्यां तेमणे शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी ने निरीक्षण कर्युं। स्टेडियम पहुंची डीके शिवकुमारे अधिकारीओ साथे वातचीत करी तैयारी अंगे समीक्षा करी हती। भाजपने बहारनो रस्तो बताविने कांग्रेसे पूर्ण बहुमती साथे कर्नाटकमां सरकार बनावी छे। चूंटणी दरमियान कांग्रेसे 5 गेरंटी लागू करवानुं वचन आप्युं हतुं। सिद्धरमैया शनिवार रोज मुख्यमंत्री तरीके शपथ लेशे। 4 संभाळ्या बाद हवे कांग्रेस 5 बांधधरी पूरी करशे के केम तेना पर सौनी नजर मंडरायेली छे। विधानसभा चूंटणी प्रचार दरमियान राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं मतदारों ने वारंवार खातरी आपी हती कि सत्ता में आवाना प्रथम दिवसे प्रथम केबिनेट बैठक में आ 5 गेरंटी मंजूर करवामां आवशे। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री पदे सिद्धरमैया और नायब मुख्यमंत्री पदे डीके शिवकुमार शपथ ग्रहण समारोह योजाशे। समारोह माटे बेंगलुरुना कांतिरवा स्टेडियम में संपूर्ण तैयारी थई चुकी छे। शपथ ग्रहण की तैयारी ने वच्चे बने नेताओ दिल्ली पहुंचा। दरमियान लांबी चर्चा अंत राज्य में मुख्यमंत्री ने नाम पर मोहर मराया बाद कांग्रेस सामे वधु एक पड़कार सर्जायो छे। आ नवो पड़कार नवी केबिनेट की रचना नो छे, जेना माटे घणा समुदायो मांग उठावी रह्या छे। सुप्रीम कोर्ट ने वधु 2 जज मळ्या।
19 मे ना रोज आंध्र प्रदेश मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील कलापति वेंकट रामन विश्वनाथन ने शपथ लीधा। जस्टिस मिश्रा मूल छत्तीसगढ़ हाईकोर्टना है, तो त्यां सुप्रीम कोर्ट में आवनारा प्रथम जज है। तो न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची अनुसार केवी विश्वनाथन 2023 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनते। सुप्रीम कोर्टे कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार ने प्रशांत कुमार मिश्रा ने केवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट का जज तरीके नियुक्त करने की भलामण करी थी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बाद सीएम और डेप्यूटी सीएम की पसंदगी बाद हवे कैबिनेट में कोने संभावा तेना पण मंथन शुरू थयुं। आने बाबते चर्चा करने माटे पदनामित सीएम सिद्धारमैया और पदनामित डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली की मुलाकाते पहुंचा। सिद्धारमैया डीके शिवकुमारे पोताना जूथना लोकोने प्रधानमंडल में स्थान मळे ते माटे प्रयत्न करशे। प्रधानमंडल निर्माण में जाति विस्तार और वरिष्ठता आधारे पण विचार विमर्श करवामां आव्यो हतो। देश में द केरल स्टोरी रिलीज थाय बाद केटलीक जग्याए विरोध, तो केटलीक जग्याए आ मूवी पर प्रतिबंध मूकी देवामां आव्यो हतो। बात करी पश्चिम बंगाळनी, तो अहीं ममता बेनर्जी सरकारे द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध मूकी दीधो हतो, परंतु गुरुवारे सुप्रीम कोर्टे आ मुद्दे सुनावणी करता प्रतिबंध हटावी लेवामां आव्यो छे। त्यारे पश्चिम बंगाळ विधानसभाना विरोध पक्षना नेता सुवेंदु अधिकारीए जणाव्युं के ममता बेनर्जी ने हवे सुप्रीम कोर्टनो निर्णय स्वीकारवानी फरज पड़ी छे, कारण के आपणा देशना बंधारणमां सुप्रीम कोर्टना निर्णयो आखरी मानवामां आवे छे। केन्द्रीय प्रधान किरण रिजुए अर्थ और सायंस विभाग पदभार संभाळ्यो। अगाउ तेओने कायदा प्रधान बनावामां आव्या हता अने तेमनी पासेथी कायदा प्रधान पद छीनवी लेवामां आव्युं। तेमणे अर्थ और सायंस विभाग सौंपवामां आव्युं। तेओ पदभार संभाळ्या बाद कह्युं के पीएम मोदीनी भारतने विकसित राष्ट्र बनावानुं जे सपनुं छे ते जोता मने देखाय छे के आ मंत्रालयनुं मोटुं योगदान छे। गुरुवारे जमीन कौभाड मामले रबड़ी देवी की पूछपरछ ईडी द्वारा करवामां आवी, जेने लईने तेजस्वी यादवे जणाव्युं के आमां नवाईनी वात कोई नथी, कारण के कर्नाटक में चूंटणी पूरी थई गई। कर्नाटक में कांग्रेसे सरकार बनावी त्यारे हवे 2024 ने लई भाजपनी बिहारमांथी डर लागे छे, जेना कारणे आ कार्यवाही थई छे। जे चार्जशीट दाखल करवामां आवी छे ते मारुं नाम पण नथी, पण शुं खबर आवतीकाले मारुं नाम पण चार्जशीटमां दाखल थई शके, मने पण पूछपरछमांथी ईडी ऑफिसमां बोलावामां आवी शके। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे जणाव्युं के वैश्विक मंच पर भारतनो जे विकास थयो छे तेमज भारत देश जे प्रगति करी रह्यो छे ते कोईनाथी छुपालुं नथी। पहला भारत अन्य देशों पासेथी मदद लेतुं, परंतु हवे भारत बीजा देशों ने मदद करे छे, जेना पासे परथी लागे छे के आज विश्व मोदी मॉडल तरफ आगळ जई रह्युं छे। जाति आधारित वस्ती गणतरीना मुद्दे सुप्रीम कोर्टे नीतीश सरकार ने मोटो झटको आप्यो। त्यारे शुक्रवारे बिहारना सीएम नीतीश कुमारे वस्ती गणतरी मामले निवेदन आपता कह्युं के सुप्रीम कोर्ट जे पण निर्णय लीधो छे ते तेमनो निर्णय हशे, अमे पण अमारा पक्ष वती फरी एकवार सुप्रीम कोर्टमां आ वात मूकीशुं, जे बाद योग्य निर्णय लेवामां आवशे। महाराष्ट्रमां लांबा विराम बाद केबिनेट विस्तरणनी ब्लूप्रिंट तैयार करवामां आवी। आगामी सप्ताहे एकनाथ शिंदे सरकारनुं केबिनेटनुं विस्तरण करी तेनो अमल करशे, जेमां शिंदे जूथना 8 नेताओ मंत्री बनी शके तेवी चर्चाओ चाली रही छे, जेमां भाजपना कोटामांथी चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुरेश खाड़े, अतुल सेव, रविन्द्र चौहान, मंगल लोढ़ा, विजय कुमार गावितनो समावेश थाय छे। छेल्ला केटलाक समयथी राजधानी दिल्ली में भारतीय कुश्तीबाजों ने यौन शोषण मुद्दे विरोध प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवारे राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलटे कुश्तीबाजों ने मळ्या अने तेमनी साथे वातचीत पण करी हती। सचिन पायलटे जणाव्युं के अमे इच्छीए छीए के अमारा खेलाड़ी जे न्यायनी मांग करी रहा छे तेमने योग्य तपास थाय, मने आशा छे के तेमनी अने मारी मांगण्यो जल्दी स्वीकारवामां आवशे। अदाणी हिंडनबर्ग केसनी तपास माटे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रचवामां आवेली निष्णात समितिनो रिपोर्ट शुक्रवारे जाहेर करायो। 24 जानुआरी 2023 ना रोज अमेरिकन शोर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग अदाणी ग्रुपनी कंपनीए अंगे एक अहेवाल बहार पाड़ी कंपनीना शेरोनी किंमतनी ओवरवेल्यू तथा अकाउंटमां गड़बड कराई होवानो आरोप मूक्यो हतो। जो कि हिंडनबर्गना आरोपोने अदाणी जूथे फगाव्या, परंतु विपक्षे आ मुद्दे होवाड़ो मचाव्यो। ज्यारे मामलो सुप्रीम कोर्टमां पहोंच्यो त्यारे सुप्रीम कोर्टे तपास माटे विशेष माहितीनी रचना करी। सुप्रीम कोर्टे दक्षिण आफ्रिका और नाम्बिया थी मध्यप्रदेश कूनो नेशनल पार्क में लावामां आवेला 3 चित्ताओं मृत्यु पर गंभीर चिंता व्यक्त करी। केन्द्र ने राजकारण बाजुए मुकी राजस्थान में स्थलांतरित करने विचार कहूं। बेंचे केन्द्र ने जणाव्युं के निष्णातों अहेवालों और लखाणों पर एवं जणाय छे के केएनपी पास मोटी संख्या में चित्ताओ माटे पूरती जगह नथी अने केन्द्र सरकार तेमने अन्य अभयारण्य में स्थलांतरित करने विचारी शके छे।
सुप्रीम कोर्टे वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद में मड़ी आवेला शिवलिंग जीवी आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वे पर आगामी सुनावी सुधी रोक लगावी। अलाहाबाद हाईकोर्टे ज्ञान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जल में देश ने पत्र लख्य जमने कविता द्वारा शिक्षण महत्व दर्शाव ने शुक्रवार अभिषेक साथ त्रण वक्त बात करी। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीन वानखेड़े पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ना पुत्र आर्यन खान ना केस में लांच मांगवानो आरोप लाग्यो छे। आ मामले हवे किंग खान साथे वानखेड़े नी चेट सामे आवी। समीर वानखे हाईकोर्ट में दाखल करेली अरजी सामे आ चेट जोड़ी। एक चेट नी वातचीत में एक कहेवानो प्रयास करवामां आव्यो छे के आर्यन साथे कोई खोटू थयुं नथी। समीर वानखेड़े पोतानी अरजी में जणाव्युं के तेणे सीनियर ना आदेश मुजब केस पर काम कर्युं। समीर वानखेड़े ना जणाव्या अनुसार शाहरुख खाने तेणे चेट में मेसेज कर्यो हतो।